तो एक बार फिर से वेलकम करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो बेसिकली मैं आप लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्या है इन्फॉर्मेशन समझते हैं इस बारे में। देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर क्राइम क्या है और साइबर अटैक क्या है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। और ये कोर्स लॉन्च किया गया है बेसिकली CSE के माध्यम से और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। अब बात समझिए इस कोर्स की बेनिफिट क्या है और ये कोर्स क्यों लेना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले बात समझिए कि आजकल के जो इरा है, जो युग है, इसमें साइबर क्राइम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। साइबर क्राइम क्या है, देखिए बात समझिए, हमारा जो डाटा होता है, मोबाइल का डाटा, लैपटॉप का जो डाटा होता है, वो एक साइबर स्पेस में जाकर संग्रहित होता है, जहाँ से हैकर क्या करते हैं, उसको आसानी से उस साइबर स्पेस को एक्सेस कर लेते हैं और फिर उसको हैक कर लेते हैं। और हैक करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो डाटा भी हैक हो जाता है और हमारा पर्सनल डाटा, लैपटॉप का डाटा भी हैक हो जाता है। अर्थात जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो साइबर स्पेस में जाकर कलेक्ट होती है, जिसका एक्सेस हैकर आसानी से कर सकते हैं और वो हैक कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह की हमें प्रिकॉशन रखना है ताकि इस तरह के साइबर अटैक से हम बच सकें, बेसिकली इन्हीं सब बातों का अध्ययन हम इस साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में करने वाले हैं। और ये कोर्स आपको एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बताएगा। बेसिकली ये कोर्स CSE की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और दिया जा रहा है। देखिए अब इस कोर्स के बारे में हमने समझा कि इस कोर्स की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। अब बात करते हैं इस कोर्स के आगे के बारे में। तो इस कोर्स में देखिए, इस कोर्स को अवेल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इस बात को समझिए। इस कोर्स को अवेल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन होता है जो कि हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से होगी, महाभारत ज्ञान केंद्र की टेक्निकल टीम के माध्यम से इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। और ये कोर्स केवल और केवल आप लोगों के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है और आप लोगों को बताया जा रहा है। देखिए अब बात समझिए इस कोर्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस कोर्स में, समझिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। सेकेंड में आपका ज़रूरी है डेट ऑफ बर्थ, जिसे DOB बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। थर्ड में ज़रूरी है आपका ईमेल आईडी, ये बहुत बहुत मस्ट है, ईमेल आईडी ज़रूरी है। फोर्थ में आपको इस कोर्स के लिए चाहिए क्या, एड्रेस देना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ फिफ्थ में आपको देना पड़ेगा क्या, स्कूल नेम देना पड़ेगा। और सिक्स में आपको एरिया देना पड़ेगा कि आप किस एरिया से हैं, अर्थात रूरल एरिया से हैं कि अर्बन एरिया से हैं, आपको ये भी बताना पड़ेगा। ये कोर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस कोर्स को अवेल करना ना भूलें आप लोग। अब देखिए बात किया जाए, ये कोर्स जो है, समझो ये कोर्स आपको मिल रहा है 10 मॉड्यूल्स में। कितना मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स में कोर्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, 10 मॉड्यूल्स में कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये कोर्स की खासियत ये है कि इस कोर्स को हम लोग आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किए हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ा टर्म का यूज़ किया गया है, बड़ा लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, टेक्निकल टर्म का यूज बहुत कम किया गया है और आसान भाषा में एनिमेशन के माध्यम से इसको समझाने का प्रयत्न किया गया है। 5 साल का बच्चा भी इस कोर्स अगर देखे तो उसे पूरी डिटेल आसानी से समझ में आएगा, 10 मॉड्यूल्स अगर देख ले तो। अब ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो आप लोग कहिएगा सर आपने तो ये बता दिया कि क्या क्या लगेगा और कितने मॉडल्स में ये कोर्स है। मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप अपने प्रश्न को नीचे ड्रॉप करते रहिए, पूछते रहिए, हमारे टेक्निकल टीम उनका जवाब देते रहेंगे। अब बात समझिए, ये जो कोर्स है, मैंने इस कोर्स को कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया था, मैंने बोला था कि हरी अप कीजिए, जल्दी ये कोर्स आने वाला है CSE की तरफ से। तो इस कोर्स की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सर आप ये कोर्स तो करा रहे हैं, प्राइस क्या होगा, ऐसा तो आपका मन में सवाल आ ही रहा होगा। देखिए बेसिकली बात करें, ये साइबर सिक्योरिटी एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसकी प्राइस एक मॉड्यूल्स की बात करें तो 1650 रुपये है। लेकिन प्राइस सुनकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है प्राइस सुनकर। ऐसा नहीं करना है कि अरे प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, चलो यहाँ से खिसक जाते हैं, ऐसे वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप बात को पूरी तरह समझिए, ये कोर्स आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपीज़ में लाया जा रहा है,
1650 रुपये कोर्स मात्र, बहुत 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 बड़ा धमाका, 99 रुपीज़ में, बात समझिए। और वो भी एक मॉड्यूल नहीं, डबल धमाका आपको देता हूँ मैं। एक मॉड्यूल नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, एक मॉड्यूल नहीं दिया जा रहा है आपको, 10 मॉड्यूल 99 रुपीज़ में मिल रहा है। अब इससे बड़ा डिस्काउंट क्या होगा, भारी से भारी 99.9% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इस बात को समझिए। तो बेसिकली इसलिए इस कोर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। मैंने इस कोर्स को अपने दोस्तों को भी बताया था, अपने नियर के स्टूडेंट्स को भी बताया, इन लोगों ने भी इस कोर्स को परचेस किया, पढ़ा और लाभ लिया, और काफ़ी अच्छा इन लोगों ने बताया। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, और फैमिली है तो इस कोर्स के बारे में डिटेल देना, ये मेरा फ़र्ज बनता है कि आप लोग को भी इस कोर्स के बारे में मैं डिटेल दूँ। मैंने आपको प्राइजिंग के बारे में बता दिया कि मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहा है, और आप लोगों को क्या करना है, इसको अवेल करना है। और भी कितना मॉड्यूल्स मिल रहा है, 10 मॉड्यूल्स मिल रहा है, ये प्राइस नहीं है, इस प्राइस को काट दीजिए, काटा लगा, काट दीजिए, मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहा है ये प्राइस, और आपको 10 मॉड्यूल्स दिया जा रहा है। अब आप बात कर सकते हैं, सर हम ये जान गए कि हमें क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, प्राइस क्या है, सेकेंड बात यह है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे सर, या फिर हम लोग इस डिटेल्स को कहाँ देंगे। ये सारी क्वेश्चन आपके मन में आ रही होंगी कि इस डिटेल को कहाँ देना है। देखिए, इस डिटेल को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन टेक्निकल टीम के माध्यम से करा दूँगा। आप लोग व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर से आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर को मैं फ्लैश कर देता हूँ, और साथ साथ यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। और हमारे टेक्निकल टीम के नंबर को भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, उनका भी नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली ये सारे डिटेल आपको भेजना है, क्योंकि ये जो डिटेल है आपको इसी नंबर पर भेजना है। इसी नंबर से आप भेजेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। इंक्वायरी के लिए आप हमारे अदर फैकल्टी से बात कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको डिटेल भेजना होगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल फिलअप करने का काम इसी नंबर के थ्रू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी इसी नंबर के थ्रू आप लोग का होगा, आप लोग को इस नंबर पर डिटेल व्हाट्सएप से भेजना होगा। अब बात समझिए, मात्र 99 रुपीज़ में आपको एक कोर्स मिल रहा है, अरे इतनी खुशी की बात है, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अवेल कीजिए। अब बात समझिए, हमारे पास समय का भी बहुत अभाव है, हमारे पास इस कोर्स को पढ़ने के लिए मात्र 12 अगस्त यानी 12 अगस्त तक का ही समय है, इसके बाद ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा। इतने हैवी डिस्काउंट में कोर्स आपको कौन देगा, कोई नहीं देगा। 1650 का कोर्स मात्र 99 रुपये में, वो भी 10 मॉड्यूल में, कौन देगा कोर्स, इसके बाद कोई कोर्स नहीं देगा। इसलिए ऑफर सिर्फ सीमित समय तक के लिए है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OSSER, कैसा ऑफर, बिगेस्ट ऑफर, वो भी सीमित समय के लिए, 12 अगस्त तक के लिए ऑफर आपको अवेल करना होगा। तो ठीक है, आप लोग इसको अवेल कीजिए। फिर कैसे अवेल करना है, क्या क्या डिटेल आपको भरना पड़ेंगे, और कैसे हम लोग कोर्स को पढ़ सकते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ और आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं। हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर आकर क्या करना है कि बेसिकली जो मैं आप लोग को लिंक दूंगा, उसी लिंक को आप लोग यहाँ पर पेस्ट करना है। मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर लूँगा, अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको लिंक मिलता है, उस लिंक को आपको इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, लिंक को पेस्ट कीजिए और फिर आप लोग को उसको सर्च कर देना है। लिंक को पेस्ट करके जैसे हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक टैब के पास पहुँचेंगे जिसमें लिखा रहेगा साइबर सिक्योरिटी CSC एकेडमी। यहाँ पर हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। मैंने आपको बताया था कि यूजर आईडी क्या होगा, आपका मेल आईडी हो जाएगा, जो आप लोग मेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय दीजिएगा वही आपका यूजर आईडी हो जाएगा, और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही रह जाएगा। तो मेल आईडी को हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर मेल आईडी को इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मेल आईडी को यहाँ पर इंटर कर दिया, और पासवर्ड हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। मैं पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ, तो पासपोर्ट को भी मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैं साइन इन कर दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग खुल जाएंगे साइबर सिक्योरिटी के साइट पर हम लोग चले जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से इसको कट करेंगे, फिर हम लोग ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर इंटरफेस पर लिखा है CSC एकेडमी, और जिस स्टूडेंट का रहेगा वहाँ पर इसका नाम यहाँ पर फ्लैश होगा और उसका मेल आईडी फ्लैश होगा, ठीक है।
तो मैं मेल आईडी और नाम को यहाँ पर ब्लर कर दूंगा, क्योंकि इसी से आप लोग का खुलने वाला होगा। हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्च कोर्स में जाएंगे, ठीक है। लॉन्च कोर्स में जाकर यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, जिस मीडियम से हम लोग होंगे। तो हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करेंगे। मैं हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2, यहाँ पर 10 मॉड्यूल है। मैंने जैसे कि बताया था कि हम यहाँ पर 10 मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग मॉड्यूल 1 में जाकर जाते हैं। तो मॉड्यूल 1 में भी 1.1, 1.2 ऐसे करके 1.8 तक है। हम लोग अगर मॉड्यूल 1 को ओपन करते हैं तो देखिए क्या दिखाता है। इस तरह से कुछ कोर्स दिखाई देगा हमारा। राजेश, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं नंदिता मैम, आपने जो फाइल्स मुझे फॉरवर्ड की थी उनको चेक करने के लिए अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया, देखा तो सारी फाइल्स गायब थी। केवल वही नहीं, लगा जैसे कुछ और फाइल से भी छेड़छाड़ की गई है। साथ ही मेरी कुछ और एप्लीकेशंस भी सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तब तो किसी ने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया है। हैक? इसका क्या मतलब है नंदिता मैम? इसका मतलब है गैर कानूनी तरीके से किसी ने साइबर स्पेस के जरिए तुम्हारे कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया है। के लिए सीमित समय के लिए, उसके बाद ये कोर्स आप लोग को नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।